हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो आज फिलहाल सुबह में जो आपकी चॉइस फिलिंग की वीडियो आनी चाहिए थी, बेसिकली हमने पोस्ट कर दिया था, टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिया था कि मैं अभी ऑफिस में हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगा। तो मैं जैसे ही शाम में घर पहुंचूंगा, मैं सबसे पहले यही काम करूंगा और अपलोड करूंगा इस वीडियो को। तो बेसिकली बीटेक फर्स्ट ईयर एडमिशन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है। 1 अगस्त से ये 5 अगस्त तक ये चॉइस फिलिंग चलेगी। चॉइस फिलिंग जिनको नहीं पता क्या होती भाई चॉइस फिलिंग का मतलब, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की जब आपने डाउनलोड्स के सेक्शन में जाके, ठीक है, जब आपने देखा होगा कि स्टेट मेरिट लिस्ट जो आपकी आई हुई है, ठीक है, स्टेट मेरिट लिस्ट जो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की आएगी, तो आपने जब स्टेट मेरिट लिस्ट देखा होगा तो आई होप आपको एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स देखने को मिले होंगे। ऑलमोस्ट 250 से लेके 300 एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स मैंने मैंने जितना नोटिस किया, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट उससे कम नहीं है, ठीक है, उतने एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स इस मेरिट लिस्ट में आए हैं, ठीक है। तो इन एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स के लिए मैं छोटा सा 1 मिनट के अंदर मैं समझा दूं। चॉइस फिलिंग वो है जिससे आप चॉइसेस रखोगे, कॉलेजेस को सेलेक्ट करोगे कि कैसे कॉलेजेस सेलेक्ट करनी है, प्रेफरेंसेस क्या रखनी है अकॉर्डिंग टू योर रैंक एंड अकॉर्डिंग टू द सीट्स विच आर गेट वेकेंट फ्रॉम द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। मतलब जो चॉइसेस रखोगे उन कॉलेजेस को लेके जो भी आपको पसंद है, बट अकॉर्डिंग टू योर रैंक, जो भी आपकी सीएमएल कैटेगरी जो भी आई है और जितनी सीट्स बची हैं फर्स्ट राउंड के एडमिशंस के बाद, तो सीट मैट्रिक्स आपको यहां देखने को मिल जाएगी, वो भी डाउनलोड सेक्शन में आप जाके देख सकते हो। हम आपको चॉइस फिलिंग वीडियो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी हमने बनाई थी, वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच मिल जाएगी। प्लस आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फी स्ट्रक्चर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस जितने भी हैं उनके फी स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की वीडियो मिल जाएगी, कंपैरिजन वीडियो मिल जाएगी, पीपीपी मोड के कॉलेजेस जो भी रामगढ़ चाईबासा दुमका हैं कंपैरिजन वीडियो मिल जाएगी, यूसेट जीसी पलामू एंड बीआईटी सिंदरी की, और सारे कॉलेज रिव्यूज, हर कॉलेजेस का अपना सेपरेट वीडियोस बनाया, भले वो पुराना है बट ट्रस्ट मी कुछ भी चेंज नहीं हुए उन सब वीडियोज के अनुसार। जो भी चीजें पहले थी वही चीजें अब थी, हो सकता है फीस में कुछ ऊपर नीचे होगा, तो फीस स्ट्रक्चर की मैंने लेटेस्ट वीडियो 1 महीने के अंदर ही बनाई है, शायद 10 दिन हुए होंगे, तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसा कि मैंने पहले बोला वो अटैच है। बाकी कुछ भी जो हमने पहले से अटैच किया था कुछ नहीं चेंज हुआ, बाकी तो कंपैरिजन वीडियो में जो छोटा बड़ा था ऊपर नीचे कोई भी चीजें थी वो हमने कंपैरिजन वीडियो में बना दिया, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। बाकी सब चीजें आपको बीटेक कॉलेज रिव्यूज की प्लेलिस्ट सेक्शन में देखने को मिल जाएगी, अदरवाइज आप वीडियोज के सेक्शन को देखिएगा तो अभी इस साल के काउंसलिंग का तो आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, चाहे वो बीटेक फर्स्ट ईयर के हो चाहे वो बीटेक लैटरल एंट्री जो डी टू डी काउंसलिंग होती है वो। डी टू डी वालों के लिए भाई नई शेड्यूल्ड काउंसलिंग अपडेट आई है कि आपका जो 3 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला था सेकंड राउंड, वो अब शिफ्ट होके अगले डेट पे आ गया, वो 5 तारीख को, जिसकी हमने नोटिस आपको शेयर कर दिया अपने टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप इन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस बाकी कोई भी चीजें पूछने के लिए आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी हम लोग जवाब रेगुलरली देते हैं, आप देखे ही होंगे। प्लस आप टेलीग्राम में आकर डीएम कर सकते हैं, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। इंस्टा ट्विटर लिंक्डइन जो आपको ठीक लगे वो आप यूज कर सकते हैं। ये सीट मैट्रिक्स है, सीट मैट्रिक्स पर आप एक नजर डालें तो शुरुआत में बीए कॉलेज है उस पर नहीं हमें जाना है, क्योंकि हमने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के वीडियो में बता दिया था कि जेसी से भी काउंसलिंग के अंदर हमें हमारे पर्सपेक्टिव से कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं वो आप देख लीजिएगा, और जो कॉलेजेस जेसी से भी काउंसलिंग के बाद जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, अगर अनफॉर्चुनेटली आपका काउंसलिंग में नहीं एडमिशन होता तो उसकी वीडियो पहले से पेंडिंग है, अपलोड नहीं की गई है इसलिए प्राइवेट रखी गई, तो जब आपकी काउंसलिंग लास्ट में आ जाएगी तब तो हम इसे अपलोड करेंगे ताकि आपको कुछ आइडिया मिल सके, क्योंकि अभी कर दूंगा तो फिर आप काउंसलिंग अच्छे से नहीं दिमाग से अटेंड कर पाओगे। बीटेक फर्स्ट ईयर की जब काउंसलिंग आई थी तो हमने भाई प्रॉपर तरीके से मदद किया था स्टूडेंट्स का, इवन हमने गूगल मीट सेशन रख रख के अपने टेलीग्राम ग्रुप में स्टूडेंट्स को गाइड किया, और भाई ज्यादा से ज्यादा रैंक वालों को भी मिला है अच्छे कॉलेजेस, इवन फ्री सीट तक मिली है पीपीपी मोड के कॉलेजेस में। सो इस बार भी हम लोग कोशिश करेंगे आपको एक अपना पर्सपेक्टिव देने का, आपके ऊपर है कि आप सजेशन कितना मानते हो नहीं मानते, तो कोई बात नहीं, आप कहीं और से भी सजेशंस लो, मैं बिल्कुल ओपन हूं, आपको कुछ लगता है हम गलत बता रहे तो प्लीज आप हमें भी करेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू, तो हम लोग हर चीज के लिए ओपन है। बीआईटी सिंदरी के लिए आप सीट्स देख सकते हैं, केमिकल में 11 खा रही है, बाकी डिवाइडेड है हर एक कैटेगरीज में, यूआर जनरल में 11 सीट्स है केमिकल में, एसटी कोटा में भाई आपकी 2 सीट्स है, एसटी में जनरल के लिए 5 सीट्स है, तो इस तरह करके डिवाइडेड है, तो सीट मैट्रिक्स आप देख लीजिएगा, ये भी डाउनलोड सेक्शन मिल जाएगा। इवन कंप्यूटर साइंस और ये सब चीजों में भी भाई बहुत सारी सीट्स खाली हैं, तो मैं अभी थोड़ी देर में रैंक के अनुसार बता दूंगा क्योंकि किन बच्चों को क्या करना, और सेकंड राउंड में जिनको सीट मिल चुकी है, ठीक है, जिनको भी सीट पहले मिल चुकी है फर्स्ट राउंड में, जिन्होंने एडमिशन करा लिया उनको क्या करना चाहिए, जिन्होंने एडमिशन नहीं कराया सीट मिलने के बाद उनको क्या करना चाहिए भाई, और सब लोग आप लोग जो पूछ रहे थे सिक्योरिटी डिपॉजिट का सीन, तो मैं एक बार
एक बार क्लियर कर देता हूँ इन चीज़ों के बताने के बाद, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, हो सकती है वीडियो आपके लिए लंबी होगी बट ये आपके काम की है। फिर आते हैं चाईबासा रामगढ़ दुमका के कॉलेजेस में, तो यहाँ फ्री सीट पेमेंट सीट करके भी प्रॉपरली इन्होंने लिख दिया कि कितने सीट्स किस ब्रांच में खाली, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है मुझे, मैंने तो देख लिया, तो मैं आपको लिए दिखा रहा हूँ भाई। दुमका के लिए आप देख सकते हैं, फिर और भी जीसी पलामू का यहाँ पे बना हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पे बने हुए। जीसी पलामू आप देखना चाहे तो 10 सीट सिविल में है, सीएससी में 11 21 है, इलेक्ट्रिकल में 25 है एंड मैकेनिकल में 12 सीट्स हैं। तो इवन आप एक बार गौर करना चाहिए यूसेट के लिए, मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज है, 17, 23, 10 और 25 आप यहाँ ब्रांचेस दे सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, ईसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल। और बैक करते हैं, फिर हम बताते हैं आपको कि कहाँ जाके आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। तो बैक टू होम पेज, आप यहाँ पे जाइएगा, जो ये आपकी क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग है, इसको आप जैसे क्लिक करिएगा इस तरह का पोर्टल ओपन होगा, क्लिक हेयर करिएगा इंजीनियरिंग एडमिशन 2024 में, लैटरल इंटरव्यू में नहीं जाइएगा। यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा 1 से 5 तक आपकी चल रही है, 6 तारीख को आपको एडिट करने का ऑप्शन है, 8 तारीख को आपको अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी, फिर 8 से 17 तक आप एडमिशन कराइएगा, 10 से 17 में आपका एडमिशन हो रहा है। और एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है उसकी भी वीडियो पहले से बनी हुई है, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और चॉइस फिलिंग करना कैसे है वो तो मैं पूरा प्रोसेस नहीं बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये पहली फर्स्ट राउंड में हमने बता दिया, तो ये देखिए आपकी वीडियो आपके सामने चल रही होगी स्क्रीन में, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो भाई आप इसी तरह से चॉइस फिलिंग करिएगा, क्या क्या करना है इसमें हमने क्लियरली बताया हुआ, तो इसको एक बार फॉरवर्ड करके फास्ट फॉरवर्ड करके आधा भी देख लीजिए तो काम आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रेफरेंसेज रखने हैं, क्या चीजों को रखनी है, तो इसमें हमने क्लियरली बताया किसी कैंडिडेट का पोर्टल ओपन करके। तो ये चीज हम सेकंड राउंड में नहीं करेंगे, बस हम बताएंगे आपको प्रेफरेंसेज के अनुसार। देखिए जिनको कॉलेजेस सिक्योरिटी डिपॉजिट का एक सीन में बता देता हूं, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जो भी जिनको भी कोई सीट, अगर जैसे किसी को सीट अलॉट हो गया फर्स्ट राउंड में, उसने एडमिशन नहीं कराया, फिर उसको सेकंड राउंड में कोई सीट अगर अलॉट हो जाता और फिर भी वो एडमिशन नहीं कराता, तो उसको तो सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिलेगा। प्लस अगर वो सेकंड राउंड में एडमिशन करा लेता तो ऑब्वियस बात है कि उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट दो कंडीशन में एडजस्ट की जा सकती है। एक तो जैसे से भी उनको बैंक अकाउंट में वापस कर देगा, जो अपने बैंक डिटेल्स आप भरोगे, अभी तो नहीं भरोगे क्योंकि जिन्होंने फर्स्ट राउंड कर लिया तो उनको डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं, उनको सिर्फ चॉइसेस फिल करने की जरूरत होगी। जिन्होंने पहली बार जो वो करेंगे तो वो न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, ठीक है। जो पहली बार चॉइस फिलिंग करने वाले हैं सेकंड राउंड में, तो भाई न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके अपना आईडी पासवर्ड बनाइए, फिर उसके बाद जाके लॉगिन करिए, और जिनका पहले से बना हो भाई आप लॉगिन करिए, आगे बढ़िए, काउंसलिंग फी पेमेंट करिए और आगे बढ़िए। तो जिन्होंने फर्स्ट राउंड किया हो तो उनको तो सिक्योरिटी डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने फर्स्ट राउंड नहीं अटेंड किया था उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट कैसे वापस आएगा वो मैं बता दिया एक कंडीशन। दूसरा, किसी ने अगर एडमिशन करा लिया तो भाई ऑब्वियसली बात है कि दो ही कंडीशन है, कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आ जाएगा या फिर आपके फीस में एडजस्ट कर दिया जाएगा। और जिनको कोई भी राउंड में कोई भी एडमिशन नहीं मिलती है, या फिर जिन्होंने फर्स्ट राउंड एडमिशन किया उनको कोई फर्स्ट राउंड काउंसलिंग अटेंड किया उनको उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, सेकंड राउंड में कोई नहीं अलॉट हुआ, थर्ड में भी कोई अलॉट नहीं हुआ, तो ऑब्वियस बात है कि काउंसलिंग खत्म होने के बाद ही सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आएगी। और जिन्होंने एडमिशन करा लिया है या फिर एडमिशन करा के अगर वो थर्ड राउंड से पहले एडमिशन अपना वापस ले लेते हैं तो ऑब्वियस बात है उनको भी सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिल जाएगी। बट अगर वो एडमिशन करा लेते हैं थर्ड राउंड के बाद वो एडमिशन हटते हैं तो उनको कुछ भी वापस नहीं मिलने जा रहा सिक्योरिटी डिपॉजिट उनका। और बाकी जिनका भी एडमिशन करा के रहेंगे स्टे करेंगे उनका तो सिक्योरिटी डिपॉजिट फीस में ही एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो ये कंडीशन है सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए। जिन्होंने फर्स्ट राउंड अटेंड कर लिया, जिनको भी बीआईटी सिंदरी, जीईसी पलामू या यूसेट मिला है या फिर फ्री सीट मिली है, तो ऑब्वियस बात है कि आप लोग कोशिश कर रहे होगे कि उससे ऊपर उठे। तो मान लीजिए अगर किसी को बीआईटी सिंदरी का सीएससी मिल गया तो ऑब्वियस बात है कि वो उससे ज्यादा क्या जा सकता है, ज्यादा वो यही करेगा कि उसको कोई और ब्रांच चाहिए होगा तो फिर वो ब्रांच के लिए वही सिर्फ रखे। मेरा यही कहना है कि जिनको जो कॉलेजेस पहले से मिल चुकी हैं उनसे ऊपर कॉलेजेस आपको रखनी है। मैं अभी उन लोगों के लिए बात नहीं कर रहा जिनको कुछ नहीं मिली है, जिनको मिल गया उन्होंने एडमिशन करा लिया। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर किसी को यूसेट मिला है, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि अगर उसको यूसेट पसंद है तो भाई आप सेकंड राउंड करिए ही मत, अटेंड छोड़ दीजिए। जिनको जो कॉलेजेस पसंद है वो छोड़ दीजिए, अपने सेकंड राउंड करिए मत। और जिनको कोई कॉलेजेस पसंद नहीं है, कोई ब्रांच पसंद नहीं है, तो सिर्फ वही चीज रखिए जो चीज आपको पसंद है, ठीक है। इसमें मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूं कि जिनको जो पसंद है सिर्फ वही रखना, इसमें ढेर सारे चॉइसेस नहीं रखने उनके लिए जिनको पहला राउंड में एडमिशन जिन्होंने करा लिया। अगर आपको बीआईटी सिंदरी का कोई ब्रांच चाहिए या जीसी पलामू चाहिए या कोई कॉलेज का फ्री सीट चाहिए जैसे चाईबासा रामगढ़ दुमका, तो सिर्फ वही स्पेसिफिक चीजों को ही रखें, ठीक है। तो जैसे अगर किसी का 1000 के अंदर रैंक है तो ऑब्वियस बात है वो बीआईटी सिंदरी को टारगेट करे एकदम बेखौफ भाई, चांसेस बहुत अच्छे हैं, सीट्स काफी बची हुई हैं। अगर आप सीट मैट्रिक्स देखोगे 1500-2000 के आसपास चला गया तो जीसी पलामू सेट और पीपीपी मोड के कॉलेजेस के फ्री सीट एकदम टारगेट करो, आपकी मर्जी, आप बीआईटी सिंदरी को रख सकते हो शुरुआती ऑप्शंस में, बट सारे
ब्रांचेस मत रखना जिनका भी 1000 से ऊपर रैंक गया है, भाई आप प्रोडक्शन मेटलर्जी केमिकल ये सब के पीछे भाग सकते हो, क्योंकि सीएससी यूसी हो सकता है स्टार्टिंग में कैटेगरी रैंक में बट जाए। फिर जिनका रैंक 2000-2500 से भी ऊपर जा चुका है, तो प्लीज आप पीपीबी मोड के फ्री कॉलेजेस जीसी पलामू एंड यूसेट पर टारगेट करिए, आई एम श्योर आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे, नॉट तो आप सीआईटी कॉलेज जो प्राइवेट है और एक आरवीएस जमशेदपुर को भी टारगेट कर सकते हैं स्पेसिफिक ब्रांचेस के साथ। आई होप मैं क्लियर होऊंगा इस टर्म में कि आप लोगों को जिनको भी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग अटेंड करके कोई कॉलेजेस मिल गया है एंड इवन आपने एडमिशन करा लिया है, तो भाई आप इसी प्रोसेस को फॉलो करें, आगे बढ़ें, वही स्पेसिफिक ब्रांचेस को रखें जो आपको पसंद हो। जिनको कुछ भी नहीं मिला है तो मैंने ये भी बता दिया कि भाई जिनको 1000 के अंदर जिनका रैंक है जिनको कुछ नहीं मिला था, बट आप सारे ब्रांचेस रखें, इवेंट गिव योर बैकअप ऑप्शंस ऑल्सो। बीआईटी सिंधरी के बाद अब जीसी पलामू रखें जिनका भी 1000-1200 के अंदर रैंक है, जिनको कुछ भी नहीं मिला फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में या फिर पहली बार कोई अटेंड कर रहे हो तो, और फिर उसके बाद किसी का 1500-2000 पे चला गया तो प्लीज अब जीसी पलामू को स्टार्ट करिए, बीआईटी सिंधरी मत रखिए। हमने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में चिल्ला चिल्ला के ये समझाया है, बहुत सारे गूगल मीट सेशंस में भी हमने बताया है और वो सारी हमारे सजेशन सही बैठे कि अगर आपने बीआईटी सिंधरी को प्रेफरेंसेज में डाला है तो वो आपका बेकार गया है, एकदम बेकार गया है, उससे कोई आपको फायदा नहीं मिला, इवन आपको कॉलेजेस तक अलॉट नहीं हुए। तो हम यही आपको सजेस्ट करेंगे, ज्यादा रैंक वाले बीआईटी सिंधरी को प्रेफरेंस भी ना डालें। आप मानता हूं कि आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि एक बार ट्राई करके देख लो, लेकिन मेरा यही मानना है कि वो ट्राई बेकार जाएगा, आपके जो मिलने के लायक है वो भी नहीं मिलेगा। तो प्लीज हमारे सजेशन को थोड़ा सा कंसिडर करिएगा, फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के वीडियो देख लीजिएगा, एडमिशन के वीडियो देख लीजिएगा, हमने क्लियरली बताया उन सारे कैंडिडेट्स को मिला, इवन 5000-5500 कैंडिडेट्स को फ्री सीट मिला है चाईबासा रामगढ़ दुमका में, वो हमारे ही सजेशन थे। मैं ये बोस्ट नहीं कर रहा हूं, बट मैं समझा रहा हूं कि बीआईटी सिंधरी हमने नहीं रखा था उन सब बच्चों के लिए। तो बीआईटी सिंधरी आपके लिए 1500-2000 के लिए आपके लिए नहीं है, प्लीज आप उनको छोड़ दीजिएगा, जीसी पलामू को टारगेट करिए, आई एम श्योर आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद बैकअप में आप पीपीपी मोड के फ्री सीट्स रख सकते हैं, जिनका 2000 से भी प्लस जा चुका है आप जीसी पलामू के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, पीपीपी मोड के फ्री सीट्स तो आपके लिए ही है, एक आध दो ऑप्शन आप पेमेंट सीट के लिए भी रख लीजिए, यूसेट एक गवर्नमेंट कॉलेज है प्लीज उसको लिए भी रख लीजिए, उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है तो फीस स्ट्रक्चर वाली वीडियो देख लीजिएगा जो 8-9 मिनट की है, ठीक है, तो वो सीन है। फिर जिनका रैंक 4000-5000 भी जा चुका है तो भैया फ्री सीट, पेमेंट सीट, यूसेट, जीसी पलामू तक रख के फिर एक आध दो आरवीएस, एक सीआईटी का कुछ कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस जो आपको पसंद हो प्लीज रखिए, सीट्स हैं आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस, एंड सिक्योरिटी के लिए मैंने बता दिया, एंड देन भाई जिनको फर्स्ट राउंड मिल चुका है प्लीज़ आप अपने से बेहतर ही रखिएगा, स्पेसिफिक ब्रांचेस ही रखिएगा, जिनको कुछ नहीं मिला है आपके लिए ग्राउंड पूरा ओपन है, तो मैंने रैंक वाइज बता दिया। और अलॉट कैसे होता है ये आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके प्रेफरेंसेस के अनुसार ही अलॉट होगा, जो आप रखोगे 1, 2, 3, 4 जो भी जितने भी नंबर ऑफ चॉइसेस रखोगे उसके हिसाब से अलॉट होगा कि आपको कैटेगरी वाइज सीट मिलेगी कि TFW कैटेगरी पे मिलेगी कि जनरल रैंक पे आपको सीट मिलेगी। अगर आप BC1, BC2 हैं, अगर आपको जनरल पे सीट मिल रही है तो इससे कोई आपका फीस में कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप ई कल्याण का स्कॉलरशिप फिल भी भर सकोगे, ठीक है। और बाकी फीस स्ट्रक्चर की वीडियो तो पहले से मौजूद है, और बाकी और कुछ भी ऑप्शंस कुछ भी अगर आप हमारे तरफ से छूट जाता है बताने को तो आप प्लीज आइए, क्योंकि हमने ये चीज कवर कर लिया कि किस रैंक वालों को क्या रखना चाहिए, क्योंकि आप भी सीट मैट्रिक्स देख रहे हो, सीट मैट्रिक्स एनफ है आप लोगों के कॉलेजेस मिलने के लिए, बट फर्स्ट राउंड वाले जिनको एडमिशन हो गया प्लीज आप स्पेसिफिक ब्रांचेस ही रखिएगा जो आपको पसंद होगा, अपने से नीचे कॉलेजेस को बिल्कुल नहीं पुट करिएगा, ध्यान रखिएगा चीज को लिए। बाकी और भी एक्स्ट्रा डाउट्स होते हैं तो विल टेक अ गूगल मीट सेशन अगेन आफ्टर 2 or 3 days, सो प्लीज जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, और यू कैन जस्ट पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन, विल लुक इनटू दैट एंड विल रिप्लाई ऑन टू दैट। तो प्लीज हम लोग हर चीज के लिए रिप्लाई देंगे, ठीक है, तो आप कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में आके डीएम कर सकते हैं, जो करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है, एंड एनी डाउट्स हम लोग हमेशा ओपन रहेंगे आप लोग के लिए। तो यही थी इस वीडियो में सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की, तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड बी अपडेटेड विद आवर चैनल एंड इन टेलीग्राम ग्रुप। थैंक्स फॉर दी अपडेट्स, नॉट फॉर द अपडेट्स, अपडेट इज फ्रॉम माई साइड, बाय बाय।